14 मई 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु प्रीसीटिंग बैठक आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में आगामी माह 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में विद्युत विभाग, बैंक, नगर परिषद एवं सर्व संबंधित से प्रीसीटिंग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित करते हुए व्यक्त किया गया कि आगामी लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत हो, इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। विद्युत के लिटिगेशन प्रकरणों एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों छूट प्रदाय की जा रही है। बैंक के प्री लिटिगेशन प्रकरणों और नगर परिषद के भू कर संपत्ति कर में भी छूट का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर न्यायाधीश डी एल सोनिया, द्वितीय जिला न्यायाधीश एम के वर्मा, वरिष्ठ खंड श्री कृष्ण बुखारिया, वरिष्ठ खंड करेरा एसडीओपी जी शर्मा, करेरा थाना प्रभारी शशि सिंह चौहान, एडवोकेट वी के गुप्ता, एडवोकेट अशोक जैन एवं विद्युत विभाग बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे। करेरा से संजय गुप्ता बिलकुल तो ठीक है, आप लोग हिसाब से कर रहे हो करेंगे। हमारा कंसर्न जो है, हमारे जो पेंडिंग केसेस है 138 के बैंक के जो केसेस वो डिस्पोज आप, ताकि यहाँ की पेंडेंसी कम दिखे। और बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में हम इस बार तो जितना चला अगली बार आप सारे केसेस में से जितने कम अमाउंट के केस वो सब छाँट लीजिए। 5,000-10,000 वाले जितने भी हैं वो ढेर सारे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप छाँट लेंगे, हम उसी पर फोकस करेंगे। बड़े अमाउंट के केस को